नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। यूपी के कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा कस्बे से संचालित सभी पैथोलॉजी लैब की जांच की जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने इन सभी पैथोलॉजी से जारी रिपोर्ट्स की शिकायत की थी। उनकी शिकायतों के आधार पर कासगंज जनपद के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने गंज डुंडवारा कस्बे में जाकर तमाम पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। वहीं सीएमओ की कार्यवाही से कई पैथोलॉजी लैब संचालक अपनी दुकान बंद कर भाग खड़े हुए, तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि डेंगू के परीक्षण व जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल में शुरू की जा रही है और जिला अस्पताल में सरकारी मशीनरी द्वारा ही डेंगू की पुष्टि व उपचार किया जाएगा। जब तक जिला अस्पताल डेंगू की पुष्टि नहीं करता, तब तक किसी भी पैथोलॉजी को डेंगू की जाँच निजी चिकित्सक को डेंगू का उपचार करने की अनुमति नहीं होगी। और इस संबंध में पैथोलॉजी लैब संचालकों ने भी कहा है कि अधिकारियों द्वारा डेंगू की जांच करने के लिए मना किया गया है। कासगंज जनपद के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पैथोलॉजी के द्वारा लोगों को फर्जी तरीके से डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर गलत रिपोर्ट दी जा रही है, जिससे आम जनमानस में अफरा तफरी का माहौल है और भय व्याप्त हो गया है। लेबोरेटरी की शिकायतों के चलते गंज डुंडवारा में 4 से 5 पैथोलॉजी पर जमकर छापेमारी की है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद में गली मोहल्ले और कस्बों में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे दर्जनों पैथोलॉजी लैब बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चल रहा है, जो बुखार के बढ़ते इस प्रकोप के समय भी धड़ल्ले से लोगों की जांच करके डेंगू की पुष्टि कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा कार्यवाही के नाम पर पैथोलॉजी पर बस छापा मार कार्यवाही करके नोटिस देने तक ही सीमित है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही के नाम पर फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी को नोटिस देकर उनसे कमाई करने का ये नया तरीका अपनाया है, लेकिन कासगंज जनपद में बुखार हर दिन अपने पांव तेजी से पसारता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो गया है। वहीं मामले पर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह लगातार बुखार के प्रकोप को रोकने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जनपद में जगह जगह फॉगिंग और साफ सफाई कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। मेरा सभी अपने जनपद वासियों से अनुरोध है कि जो फीवर चल रहा है उसकी सभी दवाइयां हमारे जितने भी पीएचसी सीएचसी और जिला अस्पताल सब उपलब्ध है, सारी जांचों की व्यवस्था है, कहीं भी झूला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, सीधे पीएचसी सीएचसी पर जाएं। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, अगर कहीं किसी को समस्या आती है उन कंट्रोल रूम पर, जो हमारे कोविड के कंट्रोल रूम के नंबर थे ICCC के, उन पर कॉल करें। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जनपद में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, फिर भी इसका सबसे बड़ा इलाज वह है कि साफ सफाई रखें, अपने घर के आसपास पानी ना फैलने दें, पानी ना भरने दें, अगर कहीं जल जमाव है भी तो उस पर मिट्टी का तेल या कोई जला हुआ जली हुई मोदी आयल वगैरह डाल दें, उससे मच्छर मतलब बिल्कुल वहाँ पनपता नहीं। दूसरा, ये मच्छर दिन में काटता है, जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है। सभी से अनुरोध है कि अपने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनें, पूरे कपड़े पहन करके बच्चों को स्कूल भेजें, पहना करके भेजें। इसके अलावा अगर रात में मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें और इलाज के लिए बिल्कुल झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े और वो गलत इलाज करते हैं, उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति का स्वयं का भी नुकसान होता है और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग अपने सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की हुई है और हमारे यहाँ ना तो दवाइयों की कोई कमी है, ना जाँच की, हमारे जो जांच के लिए वो चाहिए उसकी कोई कमी है। तो मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि सब लोग थोड़ा संयम बरतें, साफ सफाई रखें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराएं, या कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर हैं या अन्य तरीके के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ इलाज कराएं। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ।